सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्षमा चाहता हूँ कि आज फिर कुछ हम आपको वेट करवाना पड़ गया, तो आई होप यू एक्सक्यूज अस। दूसरी बात यह है कि हमारे एक महत्वपूर्ण साथी जो हैं, असल में दातार सिंह जी, वो कीर्ति किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उनका देहांत हो गया आज शाम को ही हार्ट अटैक से, और हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है मीटिंग के अंदर, जो ही ये सूचना मिली तभी 2 मिनट का मौन धारण करके। अगला ये है कि हमारे जो, मैं इंद्रजीत सिंह हूँ, ओके, इंद्रजीत सिंह, किसान सभा हरियाणा। आई वॉज प्रिजाइडिंग ओवर द टुडेज मीटिंग ऑफ SKM, मीटिंग की सदारत कर रहा था। हमारे इस मौके के ऊपर जो साथी मौजूद हैं वो रमजान चौधरी हैं हमारे, जगमोहन जी हैं हमारे, प्रेम सिंह बंगू जी हैं, लखवाल साहब हैं, और योगेंद्र यादव जी हैं हमारे, डॉक्टर आशीष मित्तल हैं, और हमारे जोगेंद्र नैन हैं, डॉक्टर अशोक ढावले हैं। ये आज के निर्णयों की, हरिंदर लखवाल जी का मैं बोला ना नाम, हाँ हाँ जी, आज के जो हमने समीक्षा भी की है, आज पिछली हमारी SKM की मीटिंग के बाद जितने भी कार्यक्रम लिए थे उनकी, और जो हमारे कार्यक्रम थे, चाहे वो रेल रोकने के थे या हमारे जो दूसरे भी कार्यक्रम थे, वो पूरे देश में बड़ी संख्या में मनाए गए, 700 से ज़्यादा जगहों पे और दर्जन से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर रेलें रोकी गई हैं। और ये मूल रूप से इस चीज़ को दर्शाता है कि ये केवल मात्र हरियाणा, पंजाब और यूपी, राजस्थान की बात नहीं है, बल्कि देश भर में इन मुद्दों के ऊपर लोग लामबंद हो रहे हैं। दूसरे भी जो हमारे जितने कार्यक्रम हैं उसमें ये लगातार बात सामने आ रही है कि जो जो लोगों का संकल्प बढ़ रहा है, उतना ही सरकार जो है वो अच्छे हथकंडों की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ से वो कहते हैं कि हम बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, इनको जवाब देना, उनको देना है, लेकिन वास्तव में पुलिस की तरफ से जो रिप्रेशन है, रोज नई नई अननेम्ड लोगों को वो पकड़ा देते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम सिंह जी के पास उसके डिटेल्स हैं, जो हमारी कानूनी समिति के वो सदस्य हैं, शुरू में जो 122 बंदे पकड़े थे उनमें से कोई 30-32 की जमानतें हो पाई हैं, वो भी स्पेशल क्राइटेरिया के अंडर हैं। अदरवाइज वास्तविकता ये है कि ये गिरफ्तारियाँ नहीं हैं, ये अपहरण है सारे के सारे। 26 के घटना के लिए 27 और 28 को कोई कहीं जा रहा है, कोई बाजार में जा रहा अपना खाना पूर्ति करने के लिए, जो उनको ये लगा कि ये जो है आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसी को उठा लिया और अपने डाल के ले गए। 3 आदमी जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, इस प्रकार की इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट हैं वो। और अभी भी वो जो शोकाज नोटिस दिए जा रहे हैं वो भी ऐसे लोगों को डराने के लिए हैं, ताकि वो उससे चुप हो जाएं, लेकिन एक भी उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल रही है इस चीज़ में। और बहुत ही मतलब ये गुस्सा ज़रूर है कि ये जो टैक्टिक्स गवर्नमेंट यूज़ कर रही है वो वास्तव में बहुत अच्छे स्तर की टैक्टिक्स हैं, जो नहीं की जानी चाहिए। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम इस आंदोलन को इंटेंसीफाई करेंगे और तेज़ करेंगे, जिनमें से कुछ तो ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वास्तव में, जिनका ताल्लुक या तो आज़ादी के आंदोलन से है, फ्रीडम मूवमेंट से, या उनका ताल्लुक किसान आंदोलनों के इतिहास में महत्वपूर्ण उससे है। तो हम उस भावना को जागृत करते हुए जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में रही है या जो मार्टियर्स की है, उसका प्रयोग करते हुए हम उन डेज को ऑब्जर्व करने के लिए इस मोबिलाइजेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, और जो बॉर्डर्स के ऊपर हैं उनको भी मजबूत करेंगे। तो उस जो सीरीज ऑफ डिसीजंस, जो श्रृंखला हमारे निर्णयों की है, खासतौर पे 4 जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं,
मैं साथी योगेंद्र यादव जी से अनुरोध करता हूं कि एक बार उनके बारे में वो बताएं और उसके बाद एक एक करके हमारे दूसरे साथी अलग अलग पक्षों के ऊपर रोशनी डालेंगे। आप सभी इसके लिए यहां पर आए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संयुक्त मोर्चा की तरफ से। धन्यवाद। शुक्रिया साथियों, मुझे खुद कई दिन बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी जैसा आप जानते हैं, अब पार्शियल छुट्टी मिली तो इसलिए आपके पास आने का मौका मिला है। जैसा आप जानते हैं, कल पंजाब के तमाम संगठनों की बैठक हुई थी जथेबंदियों की, और उसके बाद जैसा हमारा रवायत है, आज संयुक्त किसान मोर्चा के देश भर के जितने भी संगठन हैं सबकी बैठक हुई है। इस बैठक में आंदोलन की आज की स्थिति जो है उसकी समीक्षा की गई, आंदोलन को और मजबूत और तेज कैसे बनाया जाए इसके बारे में अगले एक सप्ताह के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई, फैसले लिए गए, और साथ ही साथ ये आंदोलन अपने तीसरे चरण में कैसा दिखाई देगा इसके स्वरूप के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। मैं आपके सामने केवल अगले एक सप्ताह के कार्यक्रम रख रहा हूं, लेकिन आज की बैठक में सहमति बनी है कि 28 तारीख को आने वाले पूरा जो तीसरा चरण होगा इस आंदोलन का, उस पूरे चरण की आउटलाइन आपके सामने पेश की जाएगी। तो 28 तारीख को, 28 फरवरी को ऐसी मीटिंग के बाद आंदोलन का तीसरा चरण जो होगा, पहला चरण 26 जनवरी तक था, दूसरा जब दबाने की कोशिश हुई तो आंदोलन फैल गया और ये जो पिछले महीने से चल रहा है वो आप देख रहे हैं, तीसरा चरण कैसा होगा उसकी पूरी आउटलाइन आपके सामने 28 तारीख को रखी जाएगी। इस बीच चार कार्यक्रम हमने तय किए हैं। 23 तारीख, जैसा आप जानते हैं, परसों अजीत सिंह जी, पगड़ी समाज जट्टा वाले अजीत सिंह जी, भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी, उनकी जयंती है, और 22 तारीख स्वामी सहजानंद सरस्वती, देश के किसान आंदोलन के महान नेता, उनकी जयंती है। तो दोनों को जोड़ के 23 तारीख को पगड़ी संभाल दिवस, ये पगड़ी जो किसान की इज्जत का प्रतीक है, और उसके दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इन दोनों नेताओं को, इस आंदोलन की विरासत को याद किया जाएगा, और उसके प्रतीक स्वरूप सब किसान सब मंच पर अपने अपने इलाके की अपने अपने तरह की पगड़ी पहनेंगे। 24 तारीख को दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे साथी बंगू जी यहां पे हैं, आप ज्यादा डिटेल्स बताएंगे। जैसा आप जानते हैं, इस आंदोलन के खिलाफ सरकार ने हर तरह के दमन की तिकड़म, हर तरह की हरकत, हर तरह की शरारत, हर तरह की बदमाशी शुरू कर दी है, चाहे वो लोगों की गिरफ्तारी हो, डिटेंशन हो, FIR हो, यहाँ पे चारों सिंगो बॉर्डर पे आने वाले चारों तरफ की गलियों को रोकना, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना रखा है इन्होंने तो यहाँ पे, आप सबने खुद एक्सपीरियंस किया होगा यहाँ आते हुए। तो इसके बारे में दमन विरोधी दिवस 24 तारीख को मनाया जाएगा, जिसमें देश भर में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे किसान और कहेंगे कि आप संविधान के रक्षक हो, कम से कम इतना न्यूनतम तो देश का संविधान मुझे देता है, उसको क्यों वॉयलेट किया जा रहा है। 26 तारीख को युवा किसान दिवस मना रहे हैं, और 26 तारीख को सारे हमारे स्टेज, जैसा 18 जनवरी को हमने किया था, सारे स्टेज महिलाओं को दे दिए थे, उसी तरह से 26 तारीख को हमारे सारे स्टेज युवा किसान साथियों के नाम होंगे। तमाम जथेबंदियों के जो युवा साथी हैं वो वहां आएंगे और वो इस युवा किसान दिवस को एक अपनी दिशा देंगे। 26 तारीख मैं याद दिला दूं, 26 तारीख को हमारे 3 महीने यहां पूरे हो रहे हैं, तो वो एक अवसर है जिसलिए हम युवाओं को आगे की बागडोर संभाल रहे हैं। 27 तारीख को, 27 फरवरी को दो विशेष अवसर हैं, गुरु रविदास जयंती है और साथ में चंद्रशेखर आजाद की शहादत का दिवस है, तो उस दिन
मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में मनाते हुए हम जो उस विचार की धार थी, आप देखें चंद्रशेखर आजाद से लेके, जो मजदूर किसान के खिलाफ कॉरपोरेट आज खड़ा हुआ है, उसका मुकाबला करने के लिए मजदूर किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये वो दिन है जबकि हम कॉल दे रहे हैं चारों तरफ से, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, सब तरफ हम कॉल दे रहे हैं कि ये जो हमारे मोर्चे हैं इनको और मजबूत करना है। सब किसानों को हम कह रहे हैं आइए अपने मोर्चों को हम और मजबूत करें, तो उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, कॉल दे रहे हैं। 27 तारीख का ये कॉल है। तो ये चार कार्यक्रम हमने आज अनाउंस किए हैं और 28 तारीख को सिर्फ एक हफ्ते का नहीं और लंबा प्रोग्राम, पूरा का पूरा, जैसा आप जानते हैं 8 मार्च को पार्लियामेंट मिल रही है एक महीने के लिए, तो वो वक्त है देश में गहमा गहमी का। और ये वक्त भी है जब देश में कटाई का सीजन भी शुरू हो रहा है, साउथ इंडिया में तो शुरू हो रहा है इन सब चीज़ों में। इन सब को ध्यान में रखते हुए आगे का एक लंबा कार्यक्रम हम 28 तारीख को अनाउंस करेंगे। बंगू साहब, 24 तारीख का जो दमन विरोधी दिवस है उसके बारे में बंगू साहब आप। बहुत ही सत्कारयोग्य साथियों, जैसे हमारे प्रधान जी इंद्रजीत सिंह और रिस्पेक्टेड जोगिंदर यादव जी ने आपको बताया कि 26 के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो देश विदेश ने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि कैसा एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी के तहत एक पूरा रिप्रेशन सारे आंदोलन के ऊपर किया गया ताकि आंदोलन को साबोताज किया जाए, इसको खंडा दिया जाए। वो रिप्रेशन अभी तक जारी है, एक महीना हो गया रिप्रेशन जारी है। मैं आपको बताऊंगा कि 122 लोग जो आईपीसी की बहुत ही खतरनाक धाराएं हैं, जैसे 307, 395, 397, 120 बी कॉन्स्पिरेसी, इनके तहत 122 लोगों को उस दिन जेल में बंद कर दिया था और वहीं बस नहीं किया। उसके बाद बहुत एफआईआर लॉज कर रहे हैं डेली, अब तक 44 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है और उसके अंदर जो तमाम लीडर्स हैं उनके खिलाफ 3-3 एफआईआर, एक सिंगू पर, टिकरी पर और गाजीपुर बॉर्डर पर, सभी लीडर्स का 3-3 एफआईआर। और जो बेदोषे लोग हैं उनके खिलाफ एक खाली एफआईआर रख के रोजाना किसी ना किसी को बुलाते हैं, उसमें रोप इन कर देते हैं। इसलिए दमन है जो बहुत चल रहा है, इस दमन का उद्देश्य एक ही है कि लोगों के अंदर सहम और डर पैदा करो। जो मोर्चे के अंदर लोग शामिल हैं वो डर से पीछे चल जाएं और जो बहुत संख्या में लोग मोर्चे में आ रहे हैं वो ना आए। ये रिप्रेशन दमन चल रहा है, इसके खिलाफ हमने जो एंटी रिप्रेशन डे, दमन विरोधी दिवस संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है उसको मनाएंगे हम। उसकी शक्ल है जो चार चीजों के खिलाफ होगा। पहले तो जो जेल होंगे ना तमाम बंद हैं, क्योंकि 30 लोग जेल से बाहर आ गए हैं, अभी 92 किसान हैं जो जेल के अंदर हैं वो सभी बाहर आए। नंबर दो, जितने केसेस हैं वो किसी भी धर्म में हो, लीडरों के खिलाफ हो, आम लोगों के खिलाफ हो, वो सारे केस इमीडिएटली विड्रॉ हो। नंबर तीन, जो नोटिस आ रहे हैं, देखो आप कितने नोटिस हैं डेली, जितने पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में, किसी एफआईआर में वो लोग नहीं है। किसी का सीसीटीवी में किसी का फोटो आ गया, ट्रैक्टर का, किसी का व्हीकल का आ गया, किसी का वैसे आ गया, सहम फैलाने के लिए उन लोगों को बुलाया जा रहा है और उन एफआईआर में उनको इम्प्लीकेट करके जेलों में भेजा जा रहा है। ये टेरर है। हम मांग करते हैं कि नोटिस को इमीडिएटली विड्रॉ किया जाए। और चौथा है ये बैरिकेडिंग, ये बहुत खतरनाक है। हम तो देखो दिल्ली जाते हैं, आप भी हमारे साथ होते हो, रात में 10-10:30 बजे जेल से रिलीज होते हैं। मेरे साथ इंद्रजीत जी हैं, रमिंदर सिंह पटियाला हैं और दूसरे जो लीगल कमेटी के मेंबर हैं, हम डेली जाते हैं वहां पे। पहले बेल होगी फिर रिलीज करवाएंगे, 1:30 बजता है।
तो रात में जब मुड़ते हैं हम देखते हैं नरेला के जो रास्ता एक दिन जाते हैं अगले दिन वो बंद होता है, पुलिस वहां खड़ी होती है, पता नहीं कैसे निकल के आते हैं, सब रास्ते पर बैरिकेडिंग की है, पता नहीं क्या मंतव्य है पुलिस का, क्यों परेशान लोगों को ऐसे कर रहे हैं। ये बहुत एक टेररिज्म एक्ट है, पुलिस का मेन एक्ट है, हम इसको कंडेम करते हैं स्ट्रांगली, और इसके खिलाफ हमने एक रोज जो 24 को है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तहसील हेडक्वार्टर उनके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करके एक मेमोरेंडम जिसमें हम ड्राफ्ट करेंगे, इसमें मांगो होंगी, वो राष्ट्रपति को जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कि ऐसा जो टेरर सैंप ला रहे हैं इसको इमीडिएटली बंद किया जाए, और जो बेदोषी लोग हैं उनको परेशान ना किया जाए, जिलों से बाहर निकाला जाए। ये एक रोज हम इसको जो टेरर को रोकने के लिए लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है जो बिल्ड करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये प्रोग्राम लिखा है। बहुत धन्यवाद। हाँ जी रस वाले साथियों, 26 तरीक नूं असीं नौजवान किसान दिवस मना रहे हैं, और जिन्नियां साडियां मोर्चे दियां सारियां स्टेजां दे सारियां नौजवानों दे सपोर्ट करांगे, नौजवान उस स्टेज चलाउणगे, ते नौजवानों नूं असीं सारे देश दे विचों खुला सद्दा दिंदे आ वी जिवें तुसीं अगे 26 तरीक नूं वध चढ़ के आए सी इस तरह तुसीं 26 तरीक नूं वी 3 महीने हो जाणे आ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਸਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ 27 ਸਾਥੀਓ, 23 ਜੋ ਪਗੜੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਲ ਦਿਵਸ ਹੈ, 23 ਕੋ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹਮ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੇ ਸਾਥ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਔਰ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਜੀ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਲਾਈ, ਔਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਕੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਸਕੋ ਹਾਰ ਕਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੜਾ। ਅਬ ਤੋ ਯਹਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੀਏ ਥੇ ਵੋ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਛੋੜ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸਮੇ ਤੋ ਹਮ ਜੀਤੇਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਹਮ ਚਾਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਭੀ ਲੋਕੋ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸਮੇ ਅਰਬਨ ਪੂਅਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਫੂਡਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਰੂਲ ਪੂਰ ਵੀ ਮਾਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੋ ਤੋ ਮਾਰਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੋਂ ਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਸੰਕਲਪ ਲਏਂਗੇ ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਯਾਦ ਮੇਂ ਕਿ ਅਬ ਆਮ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਸੰਭਾਲੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਸ ਕੋ, ਔਰ ਇਸਕੋ ਔਰ ਬੜਾਏਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੇਂਗੇ। ਇਸਕੇ ਲਈ ਹਮਕੋ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਦਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਆਮ ਲੋਕੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਮੇਂ ਦੀਆ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਉਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਅਬ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀਤ ਕਰ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਕਾ ਬਈ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਹੈ, 7 ਨੰਬਰ ਹੈ, 8 ਨੰਬਰ, 9 ਨੰਬਰ, ਬਹੁਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਜੇਲ ਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹਮਕੋ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਪੀਟਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਨ ਕਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹਮਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਸ ਪਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ। पत्रकार साथियों, मैं पहली मर्तबा इस प्रेस को मुखातिब हूं। मैं हरियाणा और राजस्थान और यूपी का जो एक क्षेत्र है मेवात, 1200 से ज्यादा गांव उसमें आते हैं, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। वहां हमारे 4 संगठन सक्रिय हैं, जय किसान आंदोलन, मेवात किसान यूनियन, मेवात विकास सभा और मेवाती किसान मोर्चा, मैं उनकी तरफ से यहाँ हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा क्षेत्र है
एक मोर्चा लगातार वहां पर लगाया, हमने संयुक्त किसान मोर्चा के हर प्रोग्राम्स को फॉलो किया और इतना बड़ा क्षेत्र है, मैं जैसा भी हमारे साथी जगमोहन सिंह बता रहे थे, भगत सिंह का जिक्र करते हैं, अजीत सिंह चाचा जी का जिक्र करते हैं और उसका 23 तारीख को प्रोग्राम रखा हुआ है, आज हमने तय नहीं किया लेकिन 28 तारीख को मैं मीटिंग में रखूंगा, वहां भी हसन खां मेवाती 15 मार्च 1527 को जहीरुद्दीन बाबर के खिलाफ लड़ा था और 12,000 लोगों की एक साथ शहादत पाई थी, मैं उसका वंशज हूँ। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे मेवात के खित्ते के डर से दिल्ली के अंग्रेजों के मुगलों के दरवाजे बंद हो जाया करते थे, शुरू में आंदोलन में थोड़ा कमजोरी थी लेकिन इस वक्त मेवात का 1200 गांव आंदोलन के लिए तैयार है और 15 मार्च को हम कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हसन खां मेवाती की शहादत पर मनाते हैं, ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम हम मनाने जा रहे हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि मेवात यहां से 70 किलोमीटर दूर है और अब जाग भी गया है, वहां की वीरता और बलिदान का इतिहास शायद आपने नहीं देखा, आप कई बार कह भी देते हैं, खास तौर पे पिछले साल से जो सत्ता में गवर्नमेंट बैठी हुई है वो ये कहती है कि ये बाबर की औलाद है, इतिहास हमारा पढ़ लीजिएगा कि हमने 15 मार्च 1527 को बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में लड़ा था और भरतपुर में 12,000 लोगों के साथ शहादत दी थी। जब देश को जरूरत पड़ती है देशभक्ति हमसे सीखिएगा आप कि हम अपने देश के लिए, जबकि बाबर ने कहा था कि भाई आप आ जाइए हमारे साथ हम आपको पूरा राज्य ये सौंप देंगे अलवर और भरतपुर, उन्होंने कहा कि नहीं तुम गद्दार हो, तुम देश बाहर से आए हो और हम अपने देश के राजा राणा संघा के साथ लड़ेंगे। देशभक्ति की मिसालें हमने पहले दी हैं, जब जरूरत पड़ी है हमने देश को आगे बढ़ाया है, अब जरूरत पड़ेगी तो किसान आंदोलन के जरिए से हम इस सरकार को यहाँ पर लाकर खड़ा कर देंगे कि उनको हमारी बातें माननी पड़ेंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से मेरे ऊपर इतने सारे केस लगा दिए, योगेंद्र जी 400 नोटिस दिए हैं अब CNRC उसके आंदोलन के जो साथी थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके अब 400 नौजवानों को जिस तरह से तंग किया जा रहा है, मुझको जिस तरह से डिटेन किया गया, योगेंद्र जी को पता है और इंद्रजीत जी को भी पता है, तो इस तरह से हमको चौतरफा मार, हो सकता है कुछ साथियों को उस तरह से प्रताड़ित नहीं होना पड़ता हो लेकिन अल्पसंख्यक होने के नाते हमको दोहरी मार झेलना पड़ता है, आंदोलन को भी आगे बढ़ाना होता है और एक टेक के साथ कि अरे तुम, हम आंदोलन में पहली दिसंबर को जब गुड़गावा की तरफ बढ़ रहे थे तो कहने लगा नूह में चल गया होगा आपका, यहाँ नहीं चलेगा, क्या गुड़गावा दूसरा देश है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या संविधान ने मुझको वो हक नहीं दिए कि मैं नूह में या मेवात के क्षेत्र में अपने अधिकारों को कब जो है उन पर अमल करूं और दूसरी जगह पर मैं नहीं कर पाऊंगा? इस तरह का भेदभाव और इस तरह का खास प्रताड़नाएं हमारे साथ होती हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे गांव-गांव में आंदोलन बढ़ चुका है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि दिल्ली के 70 किलोमीटर के दूर इस हसन खां मेवाते के वंशजों को आप पहचान लीजिए और उनका इतिहास देख लीजिएगा, आप जो है जल्दी से हमारी बातों को या तो मान ले, नहीं तो हमारी मेवाती में एक कहावत है, बात खत्म करता हूं, कि जूजू भींगे कामली जूजू भारी होए, जितना आप इसमें वक्त लगाओगे उतना ये आंदोलन आपके मुकाबले में खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मैं आशीष मित्तल हूं, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का महासचिव। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के कोने कोने में इस आंदोलन ने पिछले 3 हफ्ते में काफ़ी मजबूती पकड़ी है और हमने जो प्रोग्राम किए 14, 16 और 18 को, खासतौर से 18 के रेल रोको में, उसमें बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, इन सारे प्रांतों में पहले से कहीं ज़्यादा भागीदारी के साथ रेल रोको अमल हुआ है और उसका असर गवर्नमेंट को भी स्वीकार करना पड़ा है, जो गवर्नमेंट अब तक इस सवालों पर नहीं बोलती थी उसको ये स्वीकार करना पड़ा है। इसी बीच गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार हमारी मांगों को लेकर और हम ये बात बताने के लिए कि हम गवर्नमेंट के प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं, ये बात गवर्नमेंट ने फैलाने की कोशिश करी है, गवर्नमेंट ने दमन भी किया है। मैं आपको बता दूं, हर प्रांत के अंदर जहां पे बीजेपी का कोई रोल है वहां पर किसानों पर, विरोध करने वाले नेताओं पर दमन हो रहा है
लेकिन इसके खिलाफ संघर्ष भी जागृत हो रहा है, जगह जगह संघर्ष जागृत होता हुआ बढ़ रहा है। और उसका मूल कारण है कि जितना ज़्यादा प्रधानमंत्री इस किसानों की आलोचना कर रहे हैं, जो जो दंगाजीवी प्रधानमंत्री रहे हैं वो श्रमजीवी किसानों को परजीवी कह रहे हैं, जबकि परजीवी कंपनियों को किसानों के खेत और मंडियों पर बसा रहे हैं। इसकी जागृति धीरे धीरे जगह जगह बढ़ रही है और ये बात किसान कानून को पढ़कर समझ रहे हैं कि कानून में साफ लिखा हुआ है कि ठेका खेती में किसान को अपनी जमीन अलग से गिरवी रखनी पड़ेगी ताकि उसको पैसा मिल सके। ये लिखा हुआ है कि मंडी का रेट साफ तौर पर, जो मंडी कानून है, चाहे जो और कानून हो, मंडियां अपना कानून खुद बनाएंगी, फेयर ट्रेड के रूल्स खुद बनाएंगी और वो अपने रेट खुद जो है ऑनलाइन से तय करेंगी। और उनके साथ साथ कोई अगर विवाद होगा तो उस विवाद का निपटारा भी उनके अपने रूल्स के हिसाब से होगा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे किसान इन सवालों पर जागृत होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि गन्ना किसानों की जो सुरक्षा थी वो गन्ना एग्रीकल्चरल सोसाइटीज से थी, इन सोसाइटियों को भी इस कानून के तहत कंपनियों की सेवा में लगा दिया जाएगा। ये इस ट्रेड फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट में लिखा हुआ है। तो इन और तमाम जो है जो राशन के सप्लाई और खाने के रेट बढ़ने के सवाल हैं, इन तमाम सवालों पर बड़े पैमाने पर जागृति बढ़ रही है। और जिस तरह मोर्चा की तरफ से काल देगी पूरे देश के अंदर, चाहे वो रोड जाम की थी चाहे रेलवे जाम की है, उन पर किसान की तरफ से किसी भी यात्री को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, ये किसान की मंशा ना थी। किसान की इतनी ही मंशा थी कि इस 4 घंटे के चक्का जाम के दौरान सरकार को चिताया जाए कि जो पिछले 85 दिन से किसान आंदोलन में किसान अपनी मांगों को उठाने के लिए आए हैं, उन पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं गया। इस बात से हमारे किसानों के द्वारा 4 घंटे के अंदर रेलवे जाम का जो प्रोग्राम था उसका पूर्ण रूप से सफल रहा, खास करके हरियाणा प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, पूरे सारे देश के अंदर लंगर पानी की व्यवस्था की गई, चाय का व्यवस्था की गई, नाश्ता दिया गया। इसके अलावा किसी भी तरह का आने वाले समय में भी किसान की तरफ से कोई भी ऐसा कदम ना पीछे 26 तारीख में उठाया गया था कि सरकार की संपत्ति को किसी तरह का नुकसान हो, ना ही भविष्य में किसान की ऐसी कोई मंशा है कि कोई भी हमारे देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। ये देश की राजधानी हमारे सभी नागरिकों की है, ये अकेले किसी एक व्यक्ति की बापोती नहीं है। किसान का इस देश की राजधानी के अंदर उतना ही अधिकार है जितना अन्य नागरिकों का है। इस देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ पिछले 88 दिन से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए आया था। इस देश की केंद्र की सरकार के अलावा मैं हरियाणा प्रदेश से संबंध रखता हूँ, खास करके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री से आप सभी पत्रकार छायाकार साथियों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने के भिन्न भिन्न तरह के ओछे से ओछे हथकंडे अपनाने का काम किया, लेकिन इस किसान बरादरी के नौजवान युवा साथियों का बहुत सहयोग रहा। इसके अंदर जो मेरी मातृशक्ति हर टोल प्लाजा के ऊपर कई की हजारों की संख्या में पहुंच रही हैं, आज भी विशेष तौर से टिकरी बॉर्डर के ऊपर कई कई बसें भर करके आई हैं, जो उस आंदोलन को समाप्त करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। ये आंदोलन जो जो लंबा खींचता गया क्यों क्यों ये मजबूती पकड़ता जा रहा है। पूरे देश के अलावा अन्य देशों के अंदर भी हमारे इस आंदोलन से जागृति आई है। पूरे देश के अंदर, विदेशों के अंदर भी हजारों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो निकाला गया है, इससे हमारा आंदोलन मजबूत हुआ। आने वाली जो 26 तारीख का दिन है वो विशेष करके युवा साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, लंबा नाम करूँगा, उससे सारा स्टेज नौजवान युवा साथियों को दिया जाएगा। उस पर पूरी नौजवानों की जो ऊर्जा है, मैं यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि सरकार कहती है कि आने वाला समय फसल का होगा, किसान साथी अपने फसल में लगेंगे। मैं आप सबके माध्यम से नौजवान युवा साथियों से अपील भी करना चाहूँगा, विशेष करके जो पढ़ाई का समय है वो नौजवान युवा साथी यहाँ आकर के अपनी पढ़ाई जारी रखें, और जो हमारे किसान साथी फसल का काम करेंगे वो अपना फसल का काम यहाँ हाजिरी मजबूती से बनी रहे। मेरी विशेष तौर से जो मेरी मातृशक्ति है उनसे भी अपील है कि वो इस आंदोलन में जो फसल का समय है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आती रहे, मजबूती प्रदान करती रहे।
मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जय जवान जय किसान साथियों। मेरे पत्रकार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अशोक ढवड़े, अखिल भारतीय किसान सभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और खुद महाराष्ट्र से आता हूँ। सबसे पहली बात, ये पिछले एक हफ्ते में ये किसान आंदोलन का जो राजनीतिक नतीजा है, ये पूरे देश के सामने आज खुलकर सामने आया है। पंजाब में महानगर पालिका और नगर पालिका के जो चुनाव हुए और जिसके नतीजे अभी दो तीन दिन पहले निकले, उससे जाहिर हुआ है कि बीजेपी का पंजाब में पूरी तरीके से सफाया हुआ है। और ये इस किसान आंदोलन का ये नतीजा है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि ये आंदोलन अगर इसी प्रकार से, अगर बीजेपी की मोदी सरकार इसको कुचल डालने का कोशिश अगर चालू रखेगी, तो पूरे देश भर में बीजेपी का इसी तरीके से सफाया होगा जो पंजाब में हुआ है अभी पिछले हफ्ते। दूसरी बात, ये 26 जनवरी के बाद हम लगातार देखते हैं कि ये किसान आंदोलन के दौर में दो बातें सामने आई है। एक, 26 जनवरी को पूरा षड्यंत्र करके भाजपा की सरकार ने इसको हिंसा के रूप में आंदोलन को बदनाम करने का जो प्रयास किया, उसको अभी पूरी तरीके से आज पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने एकता के साथ इसके साथ जबरदस्त संघर्ष किया है। और हमने देखा 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी का शहादत दिन हो, या 6 फरवरी को पूरे चक्का जाम का आंदोलन जो 3000 जगह में हमारे देश में कामयाब हुआ हो, 14 फरवरी को पुलवामा के हमारे जवान शहीद, और इसी दिल्ली के बॉर्डर पर 250 से ज्यादा हमारे किसान शहीद, ये जो आज शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए, और ये मोदी सरकार के खिलाफ हजारों जगह में 14 फरवरी को बहुत बड़े प्रकार के निदर्शन प्रदर्शन हुए हैं। और 18 फरवरी को अभी दो दिन पहले रेल रोको, जो इतने बड़े व्यापक पद्धति से पूरे देश में कहीं नहीं हुआ था, ये हमने देखा, ये एक बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 26 जनवरी के बाद मोदी सरकार का ये पूरा फांसीवादी दमन का पूरा रवैया बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। किसानों के बारे में अभी हमारे साहब ने कहा, 122 लोग आज जेल में हैं, एफआईआर हुए हैं, केसेस हुए हैं, ये सब चीज एक तरफ। हमारे इस किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले पत्रकारों के ऊपर भी, कई जाने माने पत्रकारों के ऊपर आज एफआईआर हुए हैं। न्यूज क्लिक नाम का जो है उसके ऊपर ईडी का रेड हुआ है। आज हमारे बंगलोर की 22 साल की लड़की ये दिशा रवि, उसको गिरफ्तार करके अभी दिल्ली में रखा है। हमारी यहाँ पे नवदीप कौर नाम की दलित लड़की 23 साल की, उसको गिरफ्तार करके पिछले सवा महीने में रखा है। ये सब जो है ये किसान आंदोलन को समर्थन करने वाले थे, इसकी भी हम बहुत निंदा करते हैं। और इसलिए ये पूरे अभी जो 24 फरवरी को ये जो दमन के खिलाफ, ये जो किसानों के खिलाफ और किसान आंदोलन को समर्थन करने वालों के खिलाफ ये जो दमन शुरू किया है, इसके खिलाफ ये एक जबरदस्त पूरे देश भर में ये मनाया जाएगा। 23 के दिन स्वामी सहजानंद सरस्वती और सरदार अजीत सिंह, इनके ऊपर का ये जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, किसान आंदोलन के नेता थे, तो उनके तरफ आज हम वहां उनको याद करते हैं। उसके बाद में 26 तारीख को जब 3 महीना पूरा होता है, उस दिन युवा किसान दिन के दिन हम यहां पूरी तरीके से मनाएंगे पूरे देश भर में। और आखिर में ये जो 27 फरवरी है, उसी के तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। 27 फरवरी जो चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिन है और संत रविदास की जयंती है, उस दिन को हम ये पूरे कॉरपोरेट के खिलाफ ये जो आज 3 किसान विरोधी कानून बनाए, मजदूरों के खिलाफ के 4 लेबर कोड बनाए, आज पूरे मजदूर और किसान एक साथ में आकर 27 फरवरी को
पूरी तरीके से हम उसको आज पूरे देश भर में मनाएंगे। यही आज हमारा कार्यक्रम अगले हफ्ते के लिए आज हमारा है। वो पूरे देश भर में लाखों किसान और मजदूर एक साथ आकर कामयाब करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद जी। कोई भी सवाल किसी दोस्त का कोई सवाल या पार्लियामेंट का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया सी की ओदे ते विचार चल रही है। जैसे मैंने कहा तमाम तरह के प्रपोजल्स हैं और 28 तारीख को हम पूरी आउटलाइन आपके सामने लेके आएंगे। देखो अक्सर गल हुंदी है कि आपा जेड़ा मसले दा हल है वो टेबल टॉप उत्ते जाके होगा। इस दौरान तुहाडी कोई सरकार दे नाल गलबात हो रही है कि जां तुसीं सिर्फ दिन मनाउण तक ही सीमित रह गए हो आंदोलन दे विच? दिन नहीं मना रहे भाई, आंदोलन को मजबूत करना तेज करना ये हमारा काम है। हमने पहले दिन से कहा है हमें टॉक से कोई गुरेज नहीं है, सरकार बुलाएगी। हमने आज तक किसी टॉक को ना नहीं किया, आप खुद जानते हैं। सरकार अगर बुलाएगी हम जरूर जाएंगे। हम जाके सरकार के सामने ये तो नहीं कहेंगे आप हमें बुलाओ, हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और तेज करेंगे जब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बुलाने के सिवा, बात करने के सिवा, बात मानने के सिवा। या सरकार तां कह रही है कि असीं इक फोन कॉल दी दूरी ते आ, फिर अड़ियल रवैया क्यों आ? तुसीं फोन क्यों नहीं करदे? तुसीं प्रपोजल अपने तौर दे उपर क्यों नहीं बणाउंदे? फोन नंबर ही नहीं मिलिया सानूं अजे, कोई नंबर तां सानूं असीं दे दिंदे लैणा। अच्छा आपको लोकतंत्र में बेसिक मर्यादा ये है जो कुर्सी पे बैठा होता है वो कहता है, वो बुलाना, वो बुलाता है, बात करता है, क्योंकि कानून उन्होंने बनाया, कानून हमने नहीं बनाया, उन्होंने कानून बनाया है। हम सड़क पे हैं, हमारी जगह सड़क है, उनकी जगह कुर्सी है। कुर्सी वाले का फर्ज है कि वो बुलाए, हम अपना आंदोलन तेज करते जाएंगे, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। जैसा मेरे साथी ने कहा जितना देर करेंगे उतना महंगा सौदा उनके लिए, वो तय कर लें। तैयारी की जा रही है मुख्यमंत्री बनने की दौड़ या टिकटा लैन की दौड़ या एमएलए बनने की दौड़ जी तेज हो चुका, पंजाब मैसेज कन्वे हो रहा कि हम राजनीति वाल थोड़ा जा किसान ज्यादा इतने एक दिन ही लीडर आए 27 ते 26 जनवरी तो बस सिर्फ एक दो दिन इतने हाजरी भरी आ। पंजाब के जिते महापंचायतें होंगे उत्ते हाजरी वड्डे पद्धर से लगती है, लोगों सामने बयान देना भाषण देना उसकी क्रियोरिटी जी लीडर वही जा रही है किसान लीडर। मैं चाहूँगा कि जगमोहन जी पंजाब वाले क्वेश्चन को हैंडल करें, मैं बाद में कुछ ऐड करूँगा जी। देखो जी जरा असी इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस डिकलेयर किया, अब फिर डिकलेयर करते हैं कि 32 किसान जथेबंदियां ने रेजुलेशन पाया है कि असी आपके वालों कोई भी पंजाब किसान महापंचायत संयुक्त मोर्चे की आयोजित नहीं करांगे। पर यह जी संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई है ये बीकेयू एकता अग्रवाल ने इंडिपेंडेंट ने 32 किसान जथेबंदी ऐसा नहीं है, उन्होंने जो किसी को इनवाइट किया है वो उसे बोलने चला जाता है, तो मतलब नहीं उसी किसान मोर्चे लो कुलवंत संधू ने जोगिंदर अपने राजेवाल साहब ने रोजदो सिंह मानसा ने लीडर फिर तुहाडे तो बाहर ने? नहीं नहीं बाहर नहीं, कि लीडर है उन्होंने आयोजित नहीं की आयोजित नहीं करांगे। आयोजित ना संयुक्त किसान मोर्चे ने की ना 32 किसान जथेबंदी गैस्ट के तौर पर उत्थे बोलन चले जांदे ने, कोई एडी गल नहीं। देखो बेनती है भी असीं 32 किसान जथेबंदियां दी मीटिंग दे विच
और अज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग दे विच इन्हां गल्लां दा सीरियस नोट लिया। साडी राय यह है भी असी मोर्चे नूं इत्थे मजबूत करना है। असी पंजाब हरियाणा दे विच पंचायतां जां कॉन्फ्रेंसां करके मोर्चे नूं खंडाणा नहीं, असी लोकां नूं इत्थे लेके आउणा है। पंगू साहब ए वन मिनट, इस बारे असी बड़ी चर्चा कीती है, इसका गंभीर नोटिस लिया और मेरा ख्याल है भी इन फ्यूचर ये गल्लां रिपीट नहीं होणगियां। बाकी 28 तरीक नूं मीटिंग है, ओहदे विच असीं डिटेल दे विच तुहानूं उस तों बाद जानकारी दे देवांगे। इह मान लिया जाए कि तुहाडे कुझ लीडरां दा कद जिहड़ा कि मोर्चे तों वड्डा हो चुक्या, दूजे जथेबंदियां तों वड्डा हो चुक्या, इस लई ओह ग्रेज नहीं करदे, वरतदे नहीं ग्रेज, कि असीं नहीं जांदे उत्थे, साडे मोर्चे नूं ढाल लगू, उहनां दा आपदे आप नूं कद वड्डा समझदे नहीं इस मामले 'च। इह साडा उत्थे जिहड़े छोटे बंदे बोलणगे जथेबंदियां, सानूं कोई परवाह नहीं, उहनां दा कद वड्डा हो चुक्या मोर्चे नालों जी, तुहाडे तों कद वड्डा हो चुक्या जी, संयुक्त मोर्चे तों कद वड्डा हो चुक्या जी। सवाल इह है भी कोई भी जिहड़ा लीडर वड्डा बणिआ ओह मोर्चे ने बणाया। जे कोई लीडर समझे मोर्चे तो वड्डा है तो मैं नहीं समझा यह ठीक है। सारे लीडर एक कलैक्टिव लीडरशिप है, इकट्ठा फैसला होंदा, कोई जथेबंदी छोटी है चाहे वड्डी है उहदी बराबर की इंपोर्टेंस है। इत्थे ना कोई लीडर छोटा है तो ना ही वड्डा, कलैक्टिव फैसले होंदे, कलैक्टिव लागू करदे ने। इसलिए इह मोर्चे की बदौलत है, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਚ ਕੌਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਚ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਪਏ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ? ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਲੱਖਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ 27 ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਊਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੈਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ 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 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਦੂ ਮਾਨਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ
जे किते संयुक्त किसान मोर्चा ने ऑर्गेनाइज नहीं कीतियां, जे किते कोई ऑर्गेनाइज हुई है और लीडरशिप नू किते इस तरह इंडिविजुअल क्वेश्चन सद्या गया है, ठीक है, वो डिफरेंट है, पर ऑर्गेनाइज साडे वल्लों अगे नहीं धरियां गईयां। और जे रुझान जा रही है, मैं तुहानू पहलां कहा है वी अज वी असीं इसका नोटिस लिया है और 28 तरीक दी मीटिंग असीं तां ही बुलाई है स्पैशल, ओहदे विच नोटिस कै हो जा। एक पासे मेरी गल सुनो, हरपाल जुनेजा नहीं हरपाल संधा साहब और सुरजीत सिंह कूल ते उन्होंने इल्जाम सानूं बिना पुछे दित्ते सानूं 32 जथेबंदियां बाहर करता। चनूनी साहब ने एक पोलीटिकल पार्टियां नाल मीटिंग कीती, उन्हूं 24 घंटे लई प्रकाश करता कि जिहड़ियां पहलां गल्लां कीतियां कि उन्हां लीडरां दा कद किसान जिहड़ा तुहाडे तों वड्डा हो गया, इस लई एक्शन नहीं हो रहा, जां कोई डर है कि एक्शन लिया तां कोई अंदोलन ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੁੜੇਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜੀ ਸੁਖਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲਾ ਕਾੜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਜੀਤ ਫੂਲਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, 2022 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਰੋਲ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੋਰਮਲ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਰੋਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬਾਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੇ ਵਾਕਿਫ ਨਾ ਹੂੰ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ 32 ਸੰਗਠਨੋਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਮ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਉਸ ਪਰ ਬੈਨ ਥਾ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਜਾਣੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਰ ਅੱਛੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਬਾਤੇਂ ਹੈ ਔਰ ਮੁਝੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੱਲ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਨ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਸਕੋ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਜ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਮੇਂ ਜੋ ਨੋਰਮ ਹੈ ਵੋ ਅਲਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਪਨੇ ਸਵਾਲ ਪੂਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਹੂੰ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੋ ਸਮਝ ਆਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇ ਤੋ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਕੇ ਬਿਹਾਫ ਪੇ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ।
क्या कैप्टन साहब कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी इतनी नज़दीकी है कि उसके बिहाफ पे वो ऑफर कर रहे हैं किसानों को? अगर वो ऐसा कुछ कहते हैं तो शायद समझना होगा हमें। इस मौके पे इस किस्म का ऑफर सजेशन, जब चीफ मिनिस्टर सजेशन देता है तो इतनी इनोसेंट बात नहीं होती। वो सिर्फ एक सजेशन नहीं होता सड़क पे चलते हुए दोस्त का। चीफ मिनिस्टर मूवमेंट के इस स्टेज के ऊपर इस तरह का सजेशन दे, ये बहुत ऑड सी चीज है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए जल्दी मान लेना चाहिए, क्योंकि कश्मीर को डिस्टर्ब किया पाकिस्तान ने और पंजाब में भी बॉर्डर लगता है, पंजाब में भी माहौल गड़बड़ा सकता है। ये बात कही उन्होंने, पीछे दी तस्वीर सोचा, पीछे दी तस्वीर कोई तो नजर आती है, पॉलिटिकल गेम की नजर आती है। 2022 भी सिर पे आ उधर कहते कुछ ईडी दी फाइलां भी जड़ियां हैगा राणिंदर दी जड़ियां हैगा ईडी कदों भी कोर्ट सकती है, ऐसी तस्वीर तो नजर आती है। तस्वीर आपको नजर आ रही है, अगली बात करेंगे बात। उन्होंने सैंडविच को बहुत क्लियर नहीं सवारे हैं। एक नौजवान कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं कि जी सानू 26 जनवरी को पहला आउटर रिंग रोड का सीगा, वो थोड़ा जा बैक लेके जा रहे हैं। मैं वो कहते पहला आउटर रिंग रोड का कह के तत्ते तत्ते भाषण दे के सानू स्टेज तो जो भाषण दिते तत्ते तत्ते दिल्ली दी हिक्क ते जाना इत्थे जाना उत्थे जाना। कहते आउटर रिंग रोड की कॉल सी, लखां दी तादाद दे विच ट्रैक्टर आए पंजाब तो हरियाणा तो देश भर तो ट्रैक्टर आए, कोई दौरा नहीं है। पर उस तो बाद जो कॉल डायवर्ट कर दी गई, कॉल तुसी बदल ली, उस तो बाद फिर नौजवानों के नूं तां जदों जोश आ गया उन्होंने तो आउटर रिंग रोड से चले गए। फिर उस तो बाद अगले दिन ही गदार अलार्म दिता जाता, फिर हूँ जमानत करा रहे हो कुछ नहीं, पर अगले दिन स्टेज तो जिहड़ा मॉरल डाउन करन वाली चीज़ां सीगियां, फिर तुसी हूँ दोबारा फिर कह रहे हो कि अंदोलन तेज किया जाऊगा, तो लोग तुहाडे ते किस तरीके दे नाल इतबार करन? सवाल यह भी है, क्योंकि नौजवान साहब नौजवान आ जाएंगे, राज्यपाल साहब ने स्टेटमेंट दी को साडा नौजवान बाहर वास्ता कोई नहीं, सानू जे फिर एक बार कुछ है नहीं कुछ दिया जेड़े तुहाडी जथेबंदियां बोल रही है, बोल रही है नौजवान बाहर वास्ते कहते हो नौजवान नु जाने, क्योंकि राज्यपाल साहब दी ठीक स्टेटमेंट उस वेले हुई जो बहुत सारे नौजवानों दे पर्चेदार जो उन्होंने जेलां च बंद करते, राज्यपाल साहब ने उन्होंने नौजवान अपना मनन तो साफ इनकार कर दिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्योंकि जी लखा सिधानत दा तुसी कह रहे हो मोर्चे दा पार्ट नहीं, हुण पंजाब दे विच बड़ी वड्डी रैली करन जा रहे ने नौजवान, उहदे लई वड्डे इकट्ठ होण दी उम्मीद है। बहुत ज्यादा जब सवाल है और एक आधी चीज का मैं जवाब दे देता हूँ, डॉक्टर मित्तल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो आप गर्मा गर्म भाषण लोगों को उत्तेजित करना, आप ऐसा करो मुझे 26 जनवरी से पहले दो हफ्ते की फुटेज दिखा दो। मुझे याद है संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में एक नहीं 5 बार चर्चा हुई इस तरह के गर्मा गर्म भाषण नहीं देने जिन लोगों ने दिए। सुन तो लो सर, अब बात सुन लो सर, कुछ लोगों ने जिन्हें भाषण दिए उनको मीटिंग के अंदर बुला के वार्निंग दी गई थी कि आप गलत भाषण दे रहे हो। ये मैं 26 जनवरी की बात नहीं कर रहा हूं, उससे दो हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं। आपके सामने एक बार नहीं हम जैसे लोगों ने 10 बार आके कहा लाल किला कोई नेशनल मॉन्यूमेंट बिल्कुल नहीं। हमने कितनी बार कहा, याद होगा 14 जनवरी को जब वो कोई जस्टिस फॉर सिख ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन ने चिट्ठी रिलीज की थी, हमने आपके सामने कहा ये आंदोलन के दुश्मन है दोस्त नहीं है। तो ये कहना कि हमने 26 जनवरी से पहले बहुत तत्ते तत्ते भाषण दिए लोगों को उत्तेजित कर दिया फिर छोड़ दिया, ये बात फैक्चुअली करेक्ट नहीं है मेरे दोस्त। पहली सर मैं संयुक्त किसान मोर्चा की ऑफिशियल पोजीशन के बारे में कह रहा हूं जो कि आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार नहीं कई बार प्रेजेंट की गई। और दूसरा जो आज उसके बाद जो भी हमारे साथियों के साथ जो हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा 100% उनके साथ खड़ा है, जिनके साथ जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनको दमन किया जा रहा है, जिन पे झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा उसके साथ है। वैसे इसी की सप्लीमेंट्री मैं एक बात बताऊं आपको, सारी दुनिया कह रही है कि यह आंदोलन पीसफुल है, ये महत्वपूर्ण है या भाषण महत्वपूर्ण है? नहीं प्लीज एक्सक्यूज मी, नो नो, एक मिनट, किसी भी हमारे देश की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट दिस गवर्नमेंट एंड द पुलिस, कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल की या इंडिया की ये नहीं कह रही कि इस आंदोलन में हिंसा हुई है। एंड टुडे इवन आज भी हम यही कह रहे हैं
कि ये आंदोलन पीसफुल रहना ही इसकी जीत है। अगर वहां पे कोई गड़बड़ होती है तो वी विल लूज इट। इसीलिए एक सिक्के के दो पहलू पर आप काम कर रहे हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। 23 तारीख को बकायदा तौर पर स्टेज मंच पर ऐसा बोला गया था आपके संयुक्त मोर्चा के अंडर आने वाली किसान जथेबंदियों ने ऐसे आगुओं ने ऐसे बयान दागे थे। साथियों, आपके प्रश्नों पर दो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की मांग रिपील है। अगर कोई सस्पेंशन की बात बोल रहा है तो हम समझते हैं कि कॉर्पोरेट पक्ष की मांग है कि इसको अभी सस्पेंड करा दिया जाए और उसके बाद रजामंदी लेकर 1.5 साल 2 साल 3 साल बाद लागू कर दिया जाए। अगर कोई पार्टी का लीडर या मुख्यमंत्री इस बात को बोलता है तो इससे एक ही कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि उनका अपना पक्ष क्या है। तो हमारी पोजिशन बहुत साफ है। दूसरी बात, ये किसान आंदोलन है, इसमें ये समझना ये अभी 9 महीने से चल रहा है, 8 महीने से चल रहा है और ये धीरे धीरे विकसित होता हुआ बढ़ा है। आज भी हमने आपको बताया कि ये लहर की तरह धीरे धीरे जिन सीमाओं तक था, पहले पंजाब, फिर हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान, यूपी के बाकी क्षेत्र, बाकी सारे देश के अंदर धीरे धीरे लहरों की तरह भागीदारी बढ़ाते हुए शांतिपूर्वक ढंग से बढ़ रहा है और इसी बिंदु का आपको अध्ययन करके देखना चाहिए। यही हमारे इसी के हिसाब से हमने अपनी रणनीति बनाई है। धन्यवाद।